हेलो दगड़ियों, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती सब अच्छे होंगे। राज्य अधिकारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग है मेरा सातू आठू पर्व को लेके, जो कि हमारे भाद्र पक्ष में अभी मनाया जाता है, मींस अगस्त के महीने में। और इसमें शिव जी और गौरा माता को मनाया जाता है। काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर अच्छे से उन्हें तैयार किया जाता है। और ये हमारी सप्तमी अष्टमी पर्व मनाया जाता है, जो ऐसी बोलते हैं कि एक कहावत है, गौरा माता उनसे रूठ के अपने मायके चली गई थी, तो अष्टमी के दिन शिव जी भगवान जी मनाने आए थे, जो कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। उस दिन डोला उठता है, माता रानी अपने ससुराल जाती हैं। आज है सातू आठों की पूजा, सो मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। आपको यहाँ की पूजा दिखाएंगे कैसे सातों आठों की पूजा होती है। इसमें जो पूजा में लगते हैं वो है जौ, बाजरा, तिल और धूप लगता है, उससे इनकी पूजा होती है। अभी पूजा विधि विधान से होगी। पंडित जी आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं। अभी मैं आपको अंदर ले चलती हूँ और हम पूजा शुरू करते हैं। आज मैंने भी अपना ट्रेडिशनल लुक ले रखा है, पिछौड़ा पहना है। मम्मी लोग ने बोला साड़ी पहन, मायके आई है, ससुराल से पूजा है। सो अब चलते हैं अंदर की तरफ और मेरा ब्लॉग शुरू करते हैं। और वीडियो को इन तक देखना, आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं। पहुंच गए पूजा स्थल पे और यहाँ पे हमारे सातु आटू भगवान को काफी अच्छा सजाया है, शिव पार्वती को। और यहाँ पे अभी पूजा की तैयारी हो रही है, सभी लोग आने वाले हैं। अब हमारी चाची जी आ गई हैं और ताई जी यहाँ पे पिछौड़ा पहन रही हैं, और हमारी माता श्री भी पिछौड़ा पहन के आ रही हैं, जिन्होंने पीन भी नहीं लगाया है। जी ठीक हो रहा है हमारा पीन। अब अभी हम सबका इंतजार करेंगे, सब लोग पूजा के लिए आएंगे, फिर सातों आठों की पूजा शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गौरा जी एंड महेश्वर भगवान जी को बड़े अच्छे से सजाया जाता है। ये हैं, ये केले के गुट्टे से इनको सजाया है काफ़ी अच्छे से। और ये है इनका मंडप जहाँ पे बनाया गया है पूजा स्थान। और यहाँ पे मम्मी लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, सबके यहाँ से जो प्रसाद आया है। यहाँ पे ये छोटी छोटी पोटली बनी हुई है जिसमें दुबड़ लगे हैं, और इनके अंदर है हमारे बिरुड़े, जिसमें मैंने आपको कहा अभी वो आएगा, अभी इनकी पूजा होगी। अभी ये पोटली खुलेंगी और इनमें जो है हमारे गेहूं, चना सब आपको दिखेगा। पोटली बना के लाए थे, आपको खोल रहे हैं ताकि अभी पूजा होगी और सबकी घर से पोटली आएगी।
और क्या इसमें दूध डाल के आपने कुंड बनाया है? हाँ कुंड बना रखा है, कुंड भरते हैं ना, एक कुंड इसकी पूजा होती है, इसकी पूजा करेंगे अभी, फिर ये लोटे में इसको गुरुड़ों को चढ़ाएंगे, लोटे के अंदर। हाँ लोटे के अंदर चढ़ाएंगे गुरुड़ों को। अच्छा तो लोटे में पानी है इसमें, फिर आओ कानाथा माई, हरी हरिद्वार बद्री केदार, तीर्थ बड़ा केदार का, लहरी बड़ी समुद्र की, पाप काटे हरिद्वार हर हर गंगे। कानाथा माई हरी हरिद्वार बद्री केदार, तीर्थ बड़ा केदार का, लहरी बड़ी समुद्र की, पाप काटे हरिद्वार। अब यहाँ पे है मेन पूजा बिरुड़ों की पूजा, इसकी एक कहानी होती है जो कि कहानी अब आप आगे को सुनेंगे, सो वीडियो के साथ बने रहना। साथ ग्वारी जीवल बिरु भाटर कोबल ग्वारी आज ब्याह बड़ी कोबल ग्वारी रत्ती बिरुड़ा पंजीन चु नए धोए लिपे घैसे बिरुड़ भी जोन डालिए। ओ ओ फिर दूसर ग्वारी ना धो लिप घस कर आ बिरुड़ पंचीम छू बिरुड़ डालिए कोची बल्ले उठ ना धो लिप घस कर बिरुड़ पंचीन छु और बिरुड़ डालन छी हमारा बिरुड़ बांध जाइए कोची बल जो अभी आपने देखा पूजा हुई तो उसका बिल सबको चढ़ा रहे हैं, सबको दे रहे हैं उसका आशीर्वाद। हमारी पहाड़ी सातवा आठवा गौरा महेश्वर की पूजा विधि विधान जो आपने देखा, और जो अभी मैं लाल दुबड़ की बात कर रही थी ये मैंने भी पहना है, इसको लाल धागा या आप दुबड़ जो भी बोल सकते हो। सो गाइस आपको पहाड़ी फेस्टिवल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैंने कोशिश करी आपके साथ शेयर करने की, आपको वीडियो शायद अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।